बोस्क प्रमेय का अनुप्रयोग। इससे पूर्व दो स्थितियों में और देखे थे, तीसरी स्थिति भी देखे थे। तीसरी स्थिति में आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसमें ऐसा बताया गया था, एक पृष्ठ ABCD जिस पर आवेश का वितरण जो है ऐसे इस पृष्ठ से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमको तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P पर A क्षेत्रफल वाला एक लेते हुए एक बेलन की रचना की है, P डैश इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान यहां से दोनों दिशाओं में एक समान होगा। यह स्थिति है आवेश के अनंत इसमें बताया गया था तीव्रता E आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको निकालना था। इस तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए इस सिरे ए से इसको सिरा ए डैश ले लेते हैं, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकाले। वो फ्लक्स का मान फाई बराबर ई ए धन ई ए बराबर टू ई ए फ्लक्स फाई का मान इस बेलनाकार भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कॉस के प्रमेय के अनुसार बताया गया था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इस समीकरण में मान फाई का रखने पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू टू ई ए या ई बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ए ऐसा रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ था। इसमें यदि आवेश को दूसरे रूप में घनत्व के रूप में लिखें तब आ जाएगा यहां पर सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, इसलिए आवेश क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ए बराबर हो जाएगा सिग्मा ए टू एप्सिलॉन जीरो ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो तीव्रता ए का मान। इसमें एक पद छूटा, यहां पर ध्यान दो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इस सूत्र में देखते हैं यहां पर फाइ इक्वल टू टू ई ए कुल फ्लक्स का मान, गॉस के प्रमेय के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। इस फाइ का मान यहां पर रखने पर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू टू ई ए, इस सूत्र से
ई का मान निकालते हैं तो ई का मान आ जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए, या सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इससे आ जाएगा मान रखने पर इसमें ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। यह है आवेश के अनंत वितरण के समतल, आवेश के समतल चादर के कारण, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। इस समीकरण में यहाँ पर ऐसा कोई राशि या पद नहीं आया है जो दूरी पर बताए, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर आवेश का वितरण इस प्रकार से है, इस रूप में समतल चादर के रूप में, तो इसके दोनों ओर तीव्रता जो है वह एक समान होती है। इसके अगले टॉपिक है एक समान गोलीय कवच के कारण तीव्रता E। एक अलग स्थिति यहां पर मिल रही है कि आवेश का वितरण एक गोली कवच पे है, माना एक गोली कवच है जिसकी त्रिज्या है R। इस आवेश, इस कवच को, इस गोले को क्यों आवेश धनावेश से आवेशित किया गया, जिस कारण यह धनावेश इसके बाहर इस प्रकार से वितरित हुआ। इस धनावेश के बाहर जो तीव्रता है वह सभी बिंदुओं पर एक समान होगी। हमें इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस गोले के केंद्र O से बिंदु P तक की जो दूरी है उस दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक अन्य बाह्य गोला खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। इसमें बाह्य गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी और यह तीव्रता जो है, दिशा जो है वह अभिलंब के अनुदिश होगी। तब इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, अर्थात कुल फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान या फाई ई बराबर हो जाएगा इसका, और गणितीय रूप लिख लेंगे फ्लक्स का सूत्र है ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि वह लंबवत है। यहां पर ये चिन्ह लगाएंगे ई डी एस बराबर फाइव ई। इस गोले से विद्युत फ्लक्स का जो मान है किसी बिंदु पर, इस गोले से जो तीव्रता है वह तीव्रता इस गोली कवच से दूरी पर निर्भर करता है कि दूरी कम है, इसके पृष्ठ पर है या इसके अंदर है। तीन स्थितियां आ रही हैं, तो हम इसमें पहली स्थिति को ले लेते हैं। जब पहली स्थिति, जब वह बिंदु जिस पर हमको तीव्रता की गणना करनी है वह बिंदु जो है
गोले से बाहर है, तब की स्थिति में फ्लक्स फाई बराबर सूत्र ई डी एस से फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, यहां पर शून्य अभिलंबित होने की स्थिति कारण है, फाई इक्वल टू ई डी एस या फाई ई कुल फ्लक्स का मान बराबर ई डी एस, डी एस का मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर परंतु अब यहां पर ये तो फ्लक्स का मान हो गया, यहां से निकलने वाले कुल फ्लक्स का इस बाह्य पृष्ठ से गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब यहां पर गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई इक्वल टू किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ गया। इस मान को इस समीकरण में रखने पर इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर एक, इसको लेते हैं समीकरण दो, तो समीकरण दो से फाई का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण दो से फ्लक्स फाई का मान रखने पर Q upon epsilon 0 equal to A into 4 pi R square या E equal to आ जाएगा Q upon 4 pi epsilon 0 R square। इस समीकरण को थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square। तीव्रता का उस स्थिति में सूत्र जब वह बिंदु इस गोले से बाहर है, वैसी स्थिति में तीव्रता का जो सूत्र आया है वह प्राप्त हुआ हमें E बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square। ये और यह सूत्र ऐसा है जैसे कि यह मान लिया जाए कि संपूर्ण आवेश कहां पर है, उसके केंद्र पर ही केंद्रित है, उसी सूत्र के समान आया। कैसे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक बताया गया था उस व्यंजक का रिजल्ट यही आया था, यही आया है E बराबर 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन R स्क्वायर। एक समान गोली कवच के कारण तीव्रता, एक बार ध्यान दो, ये R त्रिज्या वाला एक गोली कवच है, इसको आवेश दिया गया, वह आवेश इसके गोली कवच, थोड़ा सा शब्द पे ध्यान देना, मतलब अंदर का भाग खोखला है ना, ये आवेश बाहर एकत्रित होगा, बाह्य पृष्ठ वितरित हो गया। अब इसके कारण तीव्रता की जो है स्थितियां तीन बन जाती है मुख्य, कि हम तीव्रता इसके पृष्ठ से बाहर ले रहे हैं, इसके पृष्ठ से बाहर मतलब ये कोई सभी जगह हो सकता है, माना कि हम यहाँ पे लिए कहाँ इस जगह पे, या पृष्ठ पर ले रहे हैं या पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर, तीन स्थितियां आ रही हैं ये। तो पहली स्थिति जब हम उसको कहाँ पर लिए हैं, इस गोले से, इस गोली कवच से, R त्रिज्या वाले गोली कवच से बाहर लिए हैं, तब की स्थिति में फ्लक्स का मान निकाले EDS, इस मान में आया EDS phi इक्वल टू E कुल फ्लक्स का मान निकाले, जब तो DS, ये DS इसका कुल क्षेत्रफल संपूर्ण, तो 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ टर्म्स यहाँ पे गॉस का प्रमेय का जो सूत्र है उसको रखे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इस मान को यहाँ पर रख दिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए तीव्रता ई इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी स्थिति
दूसरी स्थिति जब हम यह मानते हैं कि बिंदु P उस गोले के पृष्ठ पर है, अर्थात बिंदु P यानी वह स्थान जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, वह स्थान गोली कवच के पृष्ठ पर है। गोली कवच अर्थात जो गोला है, गोले के पृष्ठ पर है, तब क्या होगा? तब ये जो दूरी है, ये वह दूरी अर्थात इस मार आर का मान इस दूरी आर के बराबरी पर होगा। ऐसी स्थिति में तीव्रता का सूत्र हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन 0 q/r². ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो देखो, इसके जस्ट पहले अभी हम सूत्र बताए थे कि जब बिंदु P गोली कवच अर्थात जो गोला है के बाहर हो, उस स्थिति में तीव्रता का सूत्र आया था e = 1/4 pi epsilon 0 q/r². उसी सूत्र में उस जो स्मॉल r है उसके बदले में कैपिटल R को रखे। तीसरा स्थिति, बिंदु P गोली कवच के, गोली कवच अर्थात उस गोले अंदर है, गोले के अंदर मतलब तीसरी स्थिति का मतलब ये देखो यहां पर इस जगह पर है, यहां पर हमको गणना करनी है। इसके पहले वाली स्थिति में ये पृष्ठ था यहां पर, उसके पहले यहां, तो इस स्थिति में हमको ज्ञात करने के लिए क्या हो रहा है, आर का मान जो है वह गोले की त्रिज्या से, ऐसी स्थिति में तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये हो जाएगा कि चूंकि ये खोखला गोला है, आवेश पूरा इससे बाह्य पृष्ठ पर हो गया, उस पृष्ठ के उस गोले के अंदर आवेश है क्या? कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, अर्थात आवेश का मान शून्य है, इसलिए वहां पर तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से ये तीन स्थितियां प्राप्त हुई, तीनों स्थितियों में जो है इसका मान आया। यही है गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, जो कि दूरी पर निर्भर कर रहा था, दूरी अधिक है तो ऐसा सूत्र, पृष्ठ पर है तब ये, और अंदर है तो ये स्थिति। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम कूलाम के नियम जो है उस नियम के गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति करने में भी कर सकते हैं। तो अगला अनुप्रयोग इसका कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, मान लो बिंदु O पर कोई धनावेश है Q, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, उस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करते हैं। उस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि यहां से अर्थात O से R तक की जो दूरी है उसको त्रिज्या मानते हुए और O को केंद्र मानते हुए इस तरीके से
पृष्ठ की रचना कर ली है। इस धनावेश Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। पहले इस बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बिंदु P से जो फ्लक्स गुजरेगा उसी तरीके से इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स लेंगे, अर्थात इस बाहे जो गोला है, ये जो पी त्रिज्या R त्रिज्या लेकर के हम जो गोला खींचे हैं, वह गौसी पृष्ठ एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब मान कर चलते हैं कि O से R दूरी पर जो बिंदु P है जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है, उस R दूरी को लेते हुए एक गोले की रचना करते हैं। यह गोला जो है बंद पृष्ठ की तरह कार्य करता है, गौसियन पृष्ठ मानते हैं इसको, और इस गौसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान फाई बराबर हो जाएगा E d s। कुल फ्लक्स की गणना करने के लिए लेते हैं ऐसा, इसकी दिशा जो इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की होगी, तब E डी एस कॉस जीरो या ए डी एस बराबर हो गया फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट फोर पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया फाई ए। परंतु गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो सूत्र है उसके अनुसार फाई इक्वल टू Q/ε0 से समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखने पर, अर्थात समीकरण दो से समीकरण एक में, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखने पर, कैसे मान, ये समीकरण दो है, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखने पर क्या जाएगा, Q/ε0 इक्वल टू E डॉट फोर पाई आर स्क्वायर या E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r². तीव्रता यहां पर इस स्थान पर आवेश होने के कारण इस बिंदु P पर जो तीव्रता का सूत्र हमको आया वो इतना प्राप्त हुआ। अब यदि यह मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में, इसमें हम एक आवेश, अन्य आवेश की कल्पना करते हैं, अन्य आवेश की कल्पना करते हैं, अर्थात उस बिंदु P पर इस क्षेत्र के कारण, ये इसका क्षेत्र है इस आवेश का, इस बिंदु पर तीव्रता कितना है, बिंदु P पर तीव्रता प्राप्त हुआ ये, तो इस बिंदु पर हम एक अन्य आवेश को मानते हैं, माना वह अन्य आवेश है Q0, तब ये कैसा धनावेश, तो इस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, तो सूत्र है F बराबर Q इंटू E, ऐसा तीव्रता के सूत्र से परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बराबर आवेश का मान गुना उस क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हम आवेश लिए हैं Q0, इसलिए यहां पर क्या ले लेंगे Q0, ये ऐसा कि यदि कोई अन्य आवेश है उस बिंदु पर तो उस आवेश पर लगने वाले बल का मान इतना हो जाएगा, इसलिए बल का मान F बराबर हो जाएगा E का मान यहां से रखने पर, कहां से, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 पर E का मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 में
मान रखने पर f इक्वल टू आ जाएगा, e का मान पहले रख लेते हैं 1/4πε0 q/r² इंटू q0, ये हो गया q0। या एक साथ लिख लें तो उसको, तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो आर की घात 2, यह क्या हो गया बल का मान। हम जो स्थिति लेकर के चले थे वह स्थिति यह थी कि एक बिंदु आवेश, एक क्यू धन क्यू आवेश था, उससे r दूरी पर किसी स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता की गणना किए। उस तीव्रता की गणना इस तरीके से किए कि उस r त्रिज्या को मानते हुए, दूरी को एक मानते हुए त्रिज्या गोला खींचे और उस गोले से संपूर्ण भाग से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान आया φ=E.4πr² गॉस के प्रमेय का उपयोग किए तो q/ε0=E.4πr² आया। इस सूत्र से E का मान निकाले, अर्थात हमको जो है इस आवेश Q के कारण इस बिंदु P पर जो है यह तीव्रता प्राप्त हुई। यदि उस बिंदु P पर हम अन्य आवेश की कल्पना करते हैं, अन्य आवेश Q0 की, तो आवेश Q के कारण Q0 पर एक बल लगता है, उस बल का मान हो जाता है F=Q0×E। यहाँ पर E का मान रखे इस सूत्र से और Q से गुणा कर दिए। अब इस समीकरण नंबर 5 को अगर हम देखते हैं तो समीकरण नंबर 5 की व्याख्या कैसे होती है कि बल का मान है, ये बल है, ये दो आवेश हैं, उन आवेशों का गुणनफल है, ये वही दो आवेश हैं जिसको यहाँ पर लिया गया था, एक आवेश जिसका क्षेत्र है, दूसरा आवेश जिस पर बल लग रहा है, और दोनों आवेशों का आपस में गुणा है, आर उन दोनों के बीच की दूरी है, बिंदु पी पर स्थित आवेश Q0 और बिंदु ओ पर स्थित आवेश क्यू के बीच की दूरी। तो ये गणितीय सूत्र जो है कूलाम के नियम के सूत्र के जैसा है, अर्थात किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के नियम की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अगली टॉपिक है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल है ना, दोनों कंडीशन में बल लगता है। हमको यहां पर यह देखना है कि क्या ये दोनों बल आपस में समान हैं या इनमें कुछ अंतर है। इनमें कुछ समानताएं भी हैं और कुछ इसमें अंतर भी है। जैसे स्थिर विद्युत बल जो है वह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि स्थिर विद्युत बल में भी जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इस बल का मान होता है। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी दो पिंडों के बीच जो दूरी है उस दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दूसरा है कि स्थिर विद्युत बल जो है वह एक केंद्रीय बल है जो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कैसे, जैसे एक आवेश है ये और Q1, दूसरा आवेश है Q2,
ये इस पर, इन दोनों एक दूसरे के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल लेते हैं हम, यदि M1 द्रव्यमान का एक पिंड है, दूसरा पिंड है M2 द्रव्यमान का, इनके बीच की दूरी r, इनके बीच की दूरी r, तो इसके बीच में लगने वाला जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है इस r की घात 2 के, यहां पर लगने वाले बल का मान अनुक्रमानुपाती r की घात 2 के। वितरण वर्ग नियम आया, ये भी केंद्रीय बल है स्थिर विद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल, ये दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यह बल निर्वात में लगता है, कौन सा यह बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी, और ये दोनों बल कैसे बल हैं, संरक्षी बल हैं। ये तो कुछ समानताएं हो गई, इनमें कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है कि स्थिर विद्युत बल जो है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई एक होता है, इन्हें कहते हैं कि हम आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ये किस पर निर्भर है, आवेश की प्रकृति पर, दोनों धनात्मक है तो स्वाभाविक है दोनों में प्रतिकर्षण होगा, दोनों में से एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो उनमें आकर्षण होगा, तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये जो बल है ये कैसा होता है, केवल आकर्षण, ठीक है। स्थिर विद्युत बल जो है वह प्रबल है, यानी इसका मान जो है अधिक होता है, किनकी तुलना में, दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, अर्थात यह बल कैसा है, निर्बल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वह यही हो जाता है कि विद्युत जो एक ऊर्जा है, यह ऊर्जा जब किसी वस्तु में आ जाती है तो उस हम उस वस्तु में यह देखते हैं कि एक गुणधर्म पाया जाता है आवेशित होने का। हम कहते हैं यदि कोई वस्तु जो है विद्युतमय हो जाती है, इलेक्ट्रिफाइड हो गई, अर्थात उसमें क्या आ गया है, आवेश आ गया है। आवेशित वस्तुओं को अगर एक दूसरे के संपर्क में लाएं तो उनमें या तो प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने नियम बताया, वही नियम क्या कहलाता है, कूलाम का नियम। यदि कोई आवेश है कहीं पर तो उस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र अपना प्रभाव दर्शाता है वह प्रभाव क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र। उस प्रभाव को किससे नापते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, जो माप होता है वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस तीव्रता को माप के लिए वहां पर क्या लगा पड़ता है, आवेश आता है। उस क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश आता है उस पर बल लगाता है ना क्षेत्र, तो उस बल का मान ही कहलाता है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक से अधिक दो आवेश दोनों विपरीत प्रवृत्ति के एक दूसरे के नजदीक हैं, अल्प दूरी पर हैं, तो ऐसे नहीं कहा, क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का एक अपना अघूर्ण होता है विद्युत क्षेत्र में, उस पर क्या लगता है, दोनों ध्रुवों पर अलग अलग बल लगता है जिसके कारण उसमें घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाती है। हाँ, और विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में भी कोई आवेश रहता है तो उस पर क्या करता है, यह बल लगाता है। इसकी स्थितियां कितनी हो जाती हैं, तीन अलग अलग स्थितियां, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और सामान्य। सामान्य स्थिति में भी दोनों स्थितियां समाहित हो जाती हैं, वो स्थिति पर निर्भर है कि अक्ष के अनुदिश है या अक्ष के लंबवत, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव का। विद्युत द्विध्रुव के अलावा अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ में अगर कोई धनावेश आता है, उस पर धनावेशित क्षेत्र है, उस धनावेशित क्षेत्र में धनावेश आ रहा है तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ऋणावेशित क्षेत्र है तो उसमें क्या करेगा, आकर्षित। तो वो जो धनावेश आ रहा है उसके आने का जो मार्ग है उस मार्ग को ही क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखा। किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को कहा जाएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध बताने के लिए वैज्ञानिक गौस ने बताया था एक नियम कि किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान, ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो का अनुपात, अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है, ठीक। इसके बाद गॉस के प्रमेय का हम उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ
समय पहले बताया गया अलग अलग स्थितियों में रेखीय रूप में आवेश का वितरण है तो तीव्रता, ठीक है, गॉस के प्रमेय से तीव्रता की गणना कर सकते हैं। रेखीय रूप में आवेश है तो किसी गोले पर वितरित है तो किसी बेलनाकार पृष्ठ पर वितरित है तब कूलाम का नियम की स्थापना कर सकते हैं, उस सूत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, समझे। तो ये था इस अध्याय का शुरू से अब तक के जो पढ़ाया गया था उसका पूरा समरी, ठीक। इसमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ाए जाएंगे जिसको अगले पीरियड में बताया जाएगा, वह रह जाएगा कि किसी चालक में चालक और विद्युत रोधी क्या है, चालक पर आवेश आता है, विद्युत में आवेश आता है कि नहीं आता है, इसमें बद्ध आवेश क्या होता है, मुक्त आवेश क्या होता है, हाँ, और स्थिर विद्युत आवरण वगैरह, यह सब चीज़ों को अगली क्लास में बताया जाएगा। इसमें ठीक है, धन्यवाद।